आयुष्मान मित्र का ऑपरेटर आईडी मिलना चालू हो चुका है, वो भी फ्री में। अब इसकी आईडी लेकर के आप फ्री में किन्हीं का भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले जो था ये वाला बेनिफिशियरी का ऑप्शन काम कर रहा था। ये जो पोर्टल है अभी तुरंत तुरंत लॉन्च हुआ है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है पहले ही, जो इस पर बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर था। अभी जो मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटर आईडी आप यहाँ पर कैसे ले सकते हैं। पहले यहाँ पर साइनअप का ऑप्शन नहीं था, यानी कि अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अभी ये आ गया है। तो इसमें आप कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, ए टू जेड प्रोसेस क्या रहेगा, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस आयुष्मान के न्यू पोर्टल पर आ जाना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप इस ऑपरेटर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन अप। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलिडेट ई केवाईसी मोड यहाँ पर ऑन हो जाएगा। आपको किस प्रकार से वेरीफाई करना है, आधार ओटीपी या फिंगरप्रिंट से, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। हम अपने केस में यहाँ पर आधार ओटीपी से करने वाले हैं। यहाँ पर आपको कंसेंट आएगा, तो आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिएगा, देन इसे अलाउ कीजिएगा। ओटीपी को आप यहाँ पर डालेंगे, देन ये सबमिट का बटन हाईलाइट हो जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके आधार से उठा लिया जाएगा, जिसमें आपका नेम, जेंडर, एज, आपकी एड्रेस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट एड्रेस आपका क्या है, तो आप मैनुअल भी फिल कर सकते हैं, और यदि आपका आधार वाला एड्रेस करंट एड्रेस है तो आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर लीजिए। देन आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे पहले मैं आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा, तो ईमेल को वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर ईमेल टाइप कीजिएगा, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई। आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड किया जाएगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, तो यानी कि आपका जो ईमेल है वो यहाँ पर वेरीफाइड हो गया है। अब आपको वापस से उसी पेज पर चले जाना है। देन आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा, देन इस वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, तो आपके मोबाइल पर ओटीपी सेंड किया गया है, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोबाइल ओटीपी यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। देन यहाँ पे आधार कार्ड का इमेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपका जो करंट इमेज है आपको यहाँ पर वो दूसरा वाला इमेज लगाना होगा। ध्यान रहे इमेज का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी होना चाहिए। देन आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पेरेंट एंटिटी सेलेक्ट करना है, तो ये आपको देख लेना है कि आप सीएससी चलाते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। आप देख सकते हैं एसएचए एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, एआर असम, आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना है, चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा झारखण्ड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएचए झारखण्ड, आप अपने केस में अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटिटी टाइप, सिंपली आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं डीआईयू, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटिटी नेम, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिएगा डीआईयू। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर रोल, सिंपली आपको ऊपर में मिल जाएगा एडमिन। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा बीआईएस, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन इस एड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एड कर लीजिएगा। देन एक रोल जो आपका यहाँ पर एंटर हो गया, आप चाहे तो यहाँ पर आप दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आपको कुछ और चाहिए होगा तो। देन आपको थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर क्रेडेंशियल्स में, ठीक है, तो आप परमानेंट रहना चाहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पर आएगा डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन में आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर ऑपरेटर टाइप कर लेता हूँ। देन यहाँ पर इसमें कोई जरूरी नहीं है देने के लिए, ऑप्शनल है। देन यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम सेट करना है। यूजर नेम आपको कैसे सेट करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजर नेम पॉलिसी, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसे पढ़ के अपने हिसाब से रख लीजिएगा। पासवर्ड का पॉलिसी क्या है आप यहाँ पर से इसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन इस प्रकार से आप इसे सेट कीजिएगा। यहाँ पर ये जो सबमिट वाला बटन है ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट क्रिएटेड, आपका अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुल क्रिएट हो गया है, लेकिन आपका जो रोल है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो अभी अप्रूवल के लिए गया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि लॉग इन करके देखते रहना है आपको अपना स्टेटस कि आपको अपना अप्रूवल मिला है या नहीं। चेक करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ओके, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपने जो भी यूजर आईडी क्रिएट किया था या आपका जो मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन यहाँ पर आप वेरीफाई कीजिएगा, ऑथेंटिकेशन मोड ऑन हो जाएगा। यहाँ पर से आपको मोबाइल ओटीपी सेलेक्ट कर लेना है, ओटीपी जो आया होगा आप यहाँ पे फिल कीजिएगा, इस कैप्चा कोड को
आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। देनिए लॉगिन का बटन ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो अभी मैंने जस्ट यहाँ पर अप्लाई किया है, तो अभी ये हमारा पेंडिंग है। तो आपको 2 दिन 4 दिन हफ्ते दिन का वेट कर लेना है, तो आपका जो ये है वो अप्रूव हो जाएगा। इसमें अभी बहुत फास्ट अप्रूवल मिल रहा है। तो इस प्रोसेस से आप NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आयुष्मान पोर्टल का ऑपरेटर ID लेकर के किन्हीं का भी आयुष्मान कार्ड प्रोसेस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी अपने नॉलेज में कुछ नया जोड़ पाएंगे। मिलते हैं आपसे आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।